हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग भाई। जयसीएल जी, जितेंद्र सर 31/90, 30%, 33% सिलेबस जो है वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। इसको मिलाकर आज लगभग 35% के लगभग जो है कवरअप हो जाएगा अपना। टोटल 90 वीडियो जाने हैं बायोलॉजी के, और इसी प्रकार 45 वीडियो आपको फिजिक्स के प्रोवाइड होंगे और 45 केमिस्ट्री के प्रोवाइड होंगे, ठीक है। और रेगुलर हम व्यू करते रहते हैं हमारे लेक्चर को भी, अनदर जो फैकल्टीज हैं उनके लेक्चर को भी। नो डाउट आपके जो कमेंट्स हैं वो इस सीएलसी को सर आंखों पर बैठा कर रखने वाले कमेंट्स हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। हाँ बच्चों, तो थर्ड पार्ट रहेगा अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम लोकोमोशन का। एक्सक्रीटरी सिस्टम को दो पार्ट में कवर अप कर दिया था आपने। जी, आज ये थर्ड पार्ट है अपना लोकोमोशन से रिलेटेड। और इस लोकोमोशन के आज वाले पार्ट में अपन बोन्स की बात नहीं करेंगे। इसका जो सेकेंड पार्ट अगला लेक्चर अपना रहेगा उसमें अपन ह्यूमन स्केलेटन की भी बात करेंगे। क्लियर? तो बढ़े जितेंद्र सर, चालू करें। जी, तो मैं सुनील सोरान, जूलॉजी फैकल्टी सीएलसी सीकर। मैं यतिंद्र उपाध्याय, जूलॉजी फैकल्टी सीएलसी सीकर। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। सेलेक्ट द करेक्ट पॉइंट रिलेटेड विद द कार्डियक मसल। कार्डियक मसल से रिलेटेड पॉइंट अपने को बताना है। तो इन चीजों को देखने से पहले एक बार मसल्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल से बच्चों से बात कर लेते हैं अपन। यतिंद्र सर, कुछ मसल इस प्रकार की होती है। इसमें माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखे जाने पर अपने को इस प्रकार की स्ट्रेशन से दिखाई देती है। क्यों? कुछ मसल्स इस टाइप की कहलाती हैं, स्पिंडल शेप जिनको, बिल्कुल। एंड कुछ मसल्स जो हैं वो समवॉट अपीयर लाइक दिस, इस प्रकार से अपने को जो है वो नजर आते हैं। अब इनमें ब्रांचिंग भी है, इनमें ब्रांचिंग भी देखी जाती है। और इसके एडिशन एक स्ट्रक्चर और भी देखने को मिलेगी यहाँ पर, जिसे इंटरकैलेटेड डिस्क के नाम से जाना जाता है। तो तीन टाइप के मसल हैं। एनसीईआरटी के स्टेटमेंट की अगर बात करें, लोकेशन के बेसिस पर, स्ट्रक्चर के बेसिस पर और रेगुलेशन के बेसिस पर इनकी कंट्रोलिंग किस प्रकार की होती है, तो ये मसल तीन प्रकार की हैं। एक कहलाती है स्केलेटल, एक कहलाती है यतिन सर स्मूथ या विसरल। या विसरल, क्योंकि ये बॉडी के इंटरनल विसरल ऑर्गन से, इंटरनल विसरल ऑर्गन में पाई जाएगी। और एक कहलाती है कार्डियक, ये विसरल ऑर्गन है फिर भी अपन इसको विसरल मसल से रिलेट नहीं करेंगे। हार्ट के मस्कुलेचर में प्रेजेंट होती है। तो डिफरेंसेस की अगर बात करें यतिंद्र सर, तो यहाँ पर अपन कहेंगे कि सिलेंड्रिकल होती हैं, स्पिंडल शेप्ड होती हैं, सिलेंड्रिकल कहलाती है। ब्लंट एंड होता है, पॉइंटेड एंड कहलाता है, ब्लंट एंड होता है। अनब्रांच्ड होती हैं, अनब्रांच्ड होती हैं, ये ब्रांचिंग पैटर्न इन पर पाया जाता है, ठीक है। वॉलेंट्री कंट्रोल में होती हैं, इनवॉलेंट्री होती हैं, ये इनवॉलेंट्री कहलाती हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क पाई जाती हैं, और इंटरकैलेटेड डिस्क के रूप में याद रखना एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि वो स्ट्रक्चर कौन सी है कार्डियक मसल की जो एक गैप जंक्शन की तरह एक्ट करती है, तो वो क्या कहलाती है, इंटरकैलेटेड डिस्क की कहलाती है। इन दोनों में इंटरकैलेटेड डिस्क नहीं पाया जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है, सिंसाइशियम वर्ड की भी बात की है एनसीईआरटी ने। सिंसाइशियम मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, तो स्केलेटल में मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिलेगी, यहाँ यूनिन्यूक्लिएटेड हो जाएगा। और कार्डियक मसल की बात करें तो कैसा, यूनिन्यूक्लिएटेड फॉर्म यहाँ भी देखा जाता है, ठीक है। तो हाँ, तो ये कुछ एक डिफरेंसेज हैं जो आपको याद रखने हैं। बॉडी के स्केलेटन से जुड़ी हुई, बोन से जुड़ी हुई मसल से एक्सेप्ट छोड़कर, टंग की मसल है तो स्केलेटल, बोन से नहीं जुड़ी हुई। ईसोफेगस के इनिशियल वन थर्ड पार्ट में वो भी स्केलेटल ही है, लेकिन वो बोन से जुड़ी हुई नहीं है। क्यों? और ये इंटरनल विसरल ऑर्गन में हो जाएंगी, ये कार्डियक मस्कुलेचर में हो जाएंगी। तो शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। वॉल मसल भी कह सकते हैं इसको ना? हाँ, इनको वॉल मसल भी कह सकते हैं। दीज आर नॉन स्टेटेड, कार्डियक बोला है तो नॉन स्टेटेड नहीं है भैया, स्टेटेड स्टेशन अपीयरेंस, मतलब स्टेटेड वॉलंटरी भी हो सकती है और इनवॉलंटरी भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ एक चीज आपको ये सर, एक क्वेश्चन और भी प्यारा सा क्वेश्चन बन जाता है एनसीईआरटी के लाइन के अकॉर्डिंग, कि ये जो स्टेशन अपने को नजर आती है माइक्रोस्कोपिक व्यू में, ये किसके कारण अपीयर आती है? तो यहाँ पर एक्टिन और मायोसिन दो प्रोटीन पाए जाते हैं, उनके अल्टरनेट अरेंजमेंट के कारण ऐसा होता है, जो मायोफाइब्रिल में देखा जाता है। जी बिल्कुल। दीज आर इनवॉलेंट्री, निश्चित रूप से इनवॉलेंट्री हैं, अपने विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करती हैं। दीज आर ब्रांच्ड, बिल्कुल ब्रांच पाई जा रही हैं। दीज हैव हायर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये बात याद रखनी है आपको, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर यहाँ पर हाई होता है, लेकिन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात करें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो यहाँ पर क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। क्यों? और माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर हाई है, ऑक्सीजन की सप्लाई कंटिन्यू है, ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा भी होती है क्योंकि ब्लड सप्लाई यहाँ पर ज्यादा होती है,
और माइटोकॉन्ड्रिया पाए जा रहे हैं तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन तो होगा ही नहीं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा तो लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा, लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा तो कभी थकान भी नहीं आएगी, ये भी नहीं थकती है वो थक जाती है। जबकि यहाँ पर लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन देखा जाता है कहाँ पर, मोटर एंड प्लेट रीजन पर या मायोन्यूरोनल जंक्शन, जिनकी बात पहले भी की है और भी करेंगे आगे। दीज हैव हाई नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल ठीक बात है, और इसी के कारण ही इनमें फैटी कंडीशन अराइज नहीं होती है। दीज हैव लेस ब्लड सप्लाई, नहीं, कार्डियक मसल में जो है मोर ब्लड सप्लाई होती है, क्यों? तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। करेक्ट पूछ रहा है अपने से, तो करेक्ट बी सी एंड डी, बी सी डी के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सेकंड अपना करेक्ट चला जाएगा, क्यों? जी जी, चले आगे। हाँ, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये थे सर क्वेश्चन नंबर टू, फॉर हाउ लॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल कंटिन्यू इन स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, कि कब कितने लंबे टाइम तक मसल कॉन्ट्रेक्शन जारी रहता है। तो अपन ने बच्चों को बताया कि जब एसईआर से कैल्शियम रिलीज होता है, ठीक है, सार्कोप्लाज्म में पेसिवली जिसको अपन कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एसईआर में कंसंट्रेशन ज्यादा सार्कोप्लाज्म में कम है, तो अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जब सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम फ्री हो जाएगा, ओके, तो सी ट्रोपोनिन के साथ वो कैल्शियम जुड़ेगा, बिल्कुल, जुड़ने के बाद में ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन में एक साथ कंफर्मेशनल बदलाव आता है, चेंजेस आते हैं, जिससे वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, ओके, इससे जो एक्टिन है जो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है उस पर मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो जाती है, ठीक है, और मायोसिन अपनी एक्टिन बाइंडिंग साइट से एक्टिन की मायोसिन बाइंडिंग साइट पे जुड़ के मसल कॉन्ट्रेक्शन करा देता है, और फिर उस कैल्शियम को जब कॉन्ट्रेक्शन के बाद एक्टिवली वापस अंदर पंप किया जाएगा एसईआर के या सेल के बाहर पंप किया जाएगा, तब सार्कोप्लाज्मिक कैल्शियम का लेवल डाउन जाता है। यहाँ यदिंद्र सर ने एक वर्ड काम में लिया, पंप किया जाएगा, इसका मतलब मसल कॉन्ट्रेक्शन के दौरान तो मायोसिन के हेड से एटीपी जुड़ रहा था, हाइड्रोलाइसिस हो रहा था एटीपी का, तो एटीपी का कंजप्शन वहां पर हो रहा था, मसल कॉन्ट्रेक्शन एक्टिव प्रोसेस है, लेकिन रिलैक्सेशन के लिए भी जब कैल्शियम को पंप किया जा रहा है बाहर या फिर वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो वो पंप किया जा रहा है, अपने आप नहीं जा रहा, तो वहां भी क्या हो रहा है, एटीपी का कंजप्शन हो रहा है, मसल तो वो भी एक एक्टिव प्रोसेस है, तो मसल कॉन्ट्रेक्शन में भी एटीपी चाहिए और रिलैक्सेशन में भी एटीपी चाहिए, बिल्कुल, एक तो भी उस कैल्शियम को पंप किया जा रहा है, दूसरा वो हेड जुड़ गया और उसने मूव भी करा दिया एक्टिन को, ठीक है, अब उस मायोसिन के हेड को वहां से हटना है, उस दौरान भी एटीपी का जुड़ना जरूरी है, उस दौरान भी जुड़ना जरूरी है, अगर नहीं हटा तो फिर मसल जो है परमानेंट कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहेगी, बिल्कुल, जिसको रिगर मोर्टोसिस भी कहते हैं, रिगर मोर्टोसिस डेथ के बाद आफ्टर द डेथ रिजिडिटी आ जाती है बॉडी ऑर्गन्स में, क्या कहलाती है बच्चों, रिगर मोर्टोसिस के नाम से जानी जाती है, एटीपी का लेवल कम हो जाता है, ठीक बात है, तो इस रेस्पेक्टिव में अगर हम लोग देखें तो टिल कैल्शियम प्रेजेंट इन सार्कोप्लाज्म, बिल्कुल बिल्कुल, तो आंसर अपना ऑप्शन नंबर थर्ड चला जाएगा। इसमें बच्चों को थोड़ा सा एडिशनल बता देते हैं कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, आप बच्चे सोच रहे होंगे कि हमने आपस में तो बात कर ली लेकिन हमें तो वो एक्सपोज साइड वो तो पता ही नहीं चला, तो आपको बता देते हैं कि जो स्केलेटल मसल है उसके कॉन्ट्रेक्शन को बेस्ट एक्सप्लेन किया गया किसके द्वारा, एक स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के द्वारा, एनसीईआरटी ने भी इसी के ऊपर ही फोकस किया, ठीक है, तो सबसे पहले तो एक्टिन और मायोसिन जो होते हैं इनकी स्ट्रक्चर के विषय में मैं आपको बता दूं, ठीक है, तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाएगी और ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर जो बनेगी ये एक स्टैंड होगी, ये थे सर एफ एक्टिन बोल देंगे ना, बिल्कुल, और ये दूसरा होगा, ये दूसरा हो गया, मतलब एक डाइमेरिक फॉर्म है, ये डाइमेरिक फॉर्म के रूप में पाई जाएगी, और ये जो है ये एक एक्टिन दो एफ एक्टिन एक दूसरे के ऊपर हेलिकली वाउंड होते हैं इस प्रकार से, ठीक है, लिपटे हुए रहते हैं और इन्हीं के साथ साथ रन करती है एक और स्ट्रैंड, यतेंद्र सर ये रेगुलेटरी प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन, ये ट्रोपोमायोसिन होता है, ठीक है, और ऐसे ही अनदर ट्रोपोमायोसिन की मैं बात कर लूं तो वो इसके साथ हो जाएगा यहाँ पर, ये अनदर ट्रोपोमायोसिन कहला जाएगा। अब ये जो ट्रोपोमायोसिन है इस पर रेगुलर इंटरवेल में अनदर प्रोटीन और पाया जाएगा जिसको क्या बोल देंगे, ट्रोपोनिन कह देंगे, तो जैसे ट्रोपोनिन यहाँ ये ट्रोपोनिन हो गया, तीन यूनिट्स होती हैं इसकी रेगुलर इंटरवेल पर बताया, तो यहाँ हो गया, जैसे यहाँ ये कहला गया, ठीक है, और यहाँ हो गया, इस प्रकार से ये क्या पाया जाता है, ये तो हो गया बच्चों ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन, और ये हो जाता है अपना ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन जी, ये अपना कहला जाता है एफ एक्टिन, एफ एक्टिन या फिलामेंटस एक्टिन, फिलामेंटस एक्टिन, और इसकी जो मोनोमेरिक यूनिट होती है उसको जी एक्टिन कहा जाता है, ग्लोबुलर एक्टिन के नाम से जाना जाता है, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन आर रेगुलेटरी प्रोटीन कहलाते हैं, जबकि एक्टिन और मायोसिन वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ये अच्छा क्वेश्चन बनता है, हां ये भी ध्यान में रखना है कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन सा है और रेगुलेटरी प्रोटीन कौन सा है। यतेंद्र सर ने कहा था
कि जो ही अब एक और डायग्राम मैं आपके सामने बना रहा हूं, ये अपना मसल फाइबर है, ये इसकी सार्कोलेमा कहला रही है। जो ही एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ न्यूरॉन के द्वारा, एसिटाइल कोलिन की स्प्रेडिंग हो जाती है सार्कोलेमा के ऊपर। सार्कोलेमा का इन्वेजिनेशन पाया जाता है सार्कोप्लाज्म में, जिसको टी ट्यूब्यूल के नाम से जाना जाता है। और टी ट्यूब्यूल की हेल्प से ये एसिटाइल कोलिन की जो भी इन्फॉर्मेशन है ये कहां पहुंचेगी, सार्कोप्लाज्म में, मतलब डीपोलराइजेशन के फॉर्म में। हाँ, डीपोलराइजेशन के फॉर्म में। यहाँ जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम प्लस टू आयन कहलाता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलग कैल्शियम प्लस टू बाहर आ जाएगा। कैल्शियम प्लस टू के लिए एक साइट पाई जाती है ट्रोपोनिन के ऊपर। जो ही कैल्शियम प्लस टू इससे जुड़ेगा CA प्लस टू, तो ये ट्रोपोनिन यहां से हट जाएगा। ट्रोपोनिन अगर हट जाता है यहां से, तो ट्रोपोनिन का काम क्या है, एफ एक्टिन पर पाई जाने वाली मायोसिन को बांधने वाली साइट को ढककर रखता है। मायोसिन बाइंडिंग साइट एफ एक्टिन पर पाई जाती है, उसको ढककर रखता है। कैल्शियम प्लस टू जुड़ा, ट्रोपोनिन हटा, तो मायोसिन की बाइंडिंग साइट भी क्या हो जाती है, एक्सपोज हो जाती है, खुल जाती है। और यतिंद्र सर यही बच्चों को बता दें कि ये तो अपना कौन सा कहलाता है, मायोसिन, और इसी को ही ओवरलैप किया हुआ, इसके एज को ओवरलैप किया हुआ एक्टिन पाया जाता है। जो ही ये साइट खुलेगी, तो ही यहाँ जो मायोसिन का हेड होगा, उस मायोसिन के हेड से ATP जुड़ेगा। यहाँ पर ATP का जो ही हाइड्रोलाइसिस हुआ, तो ये जो हेड है ये थोड़ा ऊपर की ओर उठेगा। हेड ऊपर की ओर उठेगा, तो हेड पर क्या पाई जा रही है, अनदर साइट और पाई जा रही है यतिंद्र सर, जिसको एक्टिन बाइंडिंग साइट कहते हैं। मायोसिन पर मिलेगी एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक्टिन पर मिलेगी मायोसिन बाइंडिंग साइट। हेड ऊपर उठेगा, तो इसकी एक्टिन बाइंडिंग साइट किससे जुड़ जाएगी, एक्टिन पर पाई जाने वाली मायोसिन बाइंडिंग साइट से जुड़ जाएगी। ये हेड ऊपर उठकर रुकेगा नहीं अब, ठीक है, इसको वापस बना दे थोड़ा सा। ये हेड जो है ये अब रुकेगा नहीं, इससे जुड़कर और अंदर की ओर टिल्ट होगा, तो फिर ये क्या करेगा, ये जो एक्टिन है ये एक्टिन स्लाइड करेंगे किसके ऊपर, मायोसिन के ऊपर। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी भी यही कहती है, एक्टिन फिलामेंट आर स्लाइड पास ओवर किसके ऊपर, मायोसिन के ऊपर, जिसकी वजह से सार्कोमियर की जो लेंथ है, सार्कोमियर यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, दो जेड लाइन के बीच की दूरी, तो यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन छोटी हो जाएगी, मसल कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल, क्यों। और जब तक ये कैल्शियम प्लस टू यहाँ बना रहेगा, ये इससे जुड़ा रहेगा, और कैल्शियम प्लस टू को वापस पंप कर दिया जाएगा, तो ट्रोपोनिन वापस आकर किससे जुड़ जाएगा, जो मायोसिन को बांधने वाली साइट है उसको वापस क्या कर लेगा, क्लोज कर देगा, ढक देगा, क्यों जी। चले आगे जी, क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग, बिगनिंग ऑफ इसोफेगस कैसी होती है, स्केलेटल मसल कहलाती है, अभी पहले क्वेश्चन में ही बात की थी। पोस्टीरियर एंड ऑफ इसोफेगस स्मूथ मसल कहलाती है, हर्ट में कार्डियक मसल हो जाएगी, तो सीका का तो थर्ड बन जाएगा, ए का फर्स्ट बन गया, और सीका क्या है, सेकंड है ना, और बी का थर्ड हो जाएगा अपना, क्यों, 1 3 4, तो 1 3 4 कहाँ है, एक मिनट, 1 3 2 1 3 2, ये पहला ऑप्शन करेक्ट चला जाएगा अपना, ठीक है। तो ये बात अपन ने पहले भी आपको बता दी है, और पोस्टीरियर एंड ऑफ इसोफेगस, इसोफेगस के रेस्पेक्ट में एक सिंपल सी चीज आप याद रख लेना, जितेंद्र सर, इनिशियल या प्रोक्सिमल 1/3, मिडल 1/3, इसमें कैसी मसल होती है, जितेंद्र सर लिखकर बता देते हैं आपको, और ये डिस्टल एंड या लास्ट एंड 1/3 कहलाएगा। स्टार्टिंग का 1/3 में तो स्केलेटन मसल होती है, वॉलेंट्री मसल होती है, और मिडल 1/3 में मिक्स टाइप की होती है, वॉलेंट्री प्लस इनवॉलेंट्री दोनों होती है, या स्मूथ प्लस स्केलेटन कह दो, और लास्ट वाले में कैसी पाई जाती है, ओनली स्मूथ मसल प्रेजेंट होती है। लेकिन जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं, वो स्टमक कंटेंट को वापस बकल कैविटी में क्यों ला पाते हैं, क्योंकि उसकी कंप्लीट इसोफेगस में कैसी मसल होती है, स्केलेटन होती है, और अपन जो है स्टमक कंटेंट को वापस बकल कैविटी में अपनी इच्छा अनुसार नहीं ला पाते, वोमिट अगर होगा तो वोमिट सेंडर, वो जो रिफ्लेक्स चलेगी उसके दौरान फोर्सफुली इजेक्ट आउट जरूर हो जाता है, क्यों, वो रिवर्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो जाएगा, वो रिवर्स पेरिस्टाल्टिक हो जाएगा टुवर्ड द स्टमक, अगर चलेगा तो पेरिस्टाल्टिक है, और स्टमक से वापस इसोफेगस के अपर रीजन की ओर आएगा तो रिवर्स पेरिस्टाल्टिक हो जाएगा। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी यूनिट स्मूथ मसल की बात की जा रही है जी, है ना, और इसके अंदर कुछ एग्जांपल, मल्टी यूनिट का मतलब है कि अलग अलग जो मसल्स हैं अलग अलग कॉन्ट्रेक्शन दर्शाएंगे, और अलग अलग मोटर न्यूरॉन से जुड़ी हुई अलग अलग कॉन्ट्रेक्शन दर्शाए, ओके। तो जैसे स्मूथ मसल ऑफ प्यूपिल, तो ये तो सिंगल यूनिट है, सिंगल यूनिट है, एक साथ कॉन्ट्रेक्शन करती है, एक साथ ही जो प्यूपिल है उसका डायमीटर बढ़ता है, घटता रहता है, बिल्कुल बिल्कुल, ये रिसेप्टर में आपको बता भी दिया जाएगा, प्यूपिल का डायमीटर बढ़ना
इसको तो कहा जाता है माइड्रेसिस और पिपिल का डायमीटर घटना, ये मायोसिस कहलाता है। पर अपन बात करें कि रेडियल मसल भी होती है और सर्कुलर मसल, सर्कुलर मसल भी होती है, जैसे ये तो सर्कुलर होगी और ये रेडियल होगी। बिल्कुल, तो सर्कुलर कॉन्टेक्ट होती है तो पिपिल का डायमीटर कम हो रहा है। बिल्कुल, और रेडियल होंगी तो डायमीटर बढ़ रहा है, ज्यादा हो जाएगा। ये एक साथ एक यूनिट के फॉर्म में कार्य करती है। ठीक है, फिर अगर हम लोग देखें स्मूथ मसल ऑफ इंटेस्टाइन तो ये भी सिंगल यूनिट है, एक साथ कॉन्टेक्ट होती है। और ये जो भी सिंगल यूनिट है अपन पहले भी डिस्कस किया है, गैप जंक्शन से कनेक्टेड होती है। बिल्कुल ठीक बात है। और एक तो सिंगल यूनिट में गैप जंक्शन है और एक कार्डियक में है, स्केलेटन और मल्टी यूनिट स्मूथ मसल में गैप जंक्शन एब्सेंट है, नहीं है। ठीक है, और फिर ये वाली मसल की तो बात करेंगे नहीं क्योंकि ये तो स्केलेटन मसल है, जबड़े में पाई जाने वाली मैसेटर मसल। ठीक है, और जो अपने स्किन में जो इरेक्टर पिलाई मसल है, हेयर रूट के मतलब हेयर रूट में जो इनके इरेक्टाइल पोजीशन के लिए रिस्पांसिबल है, ये आपकी सिंगल यूनिट। तो इरेक्शन ऑफ हेयर्स के लिए रूट में पाई जाती है इरेक्टर पिलाई मसल, और इरेक्टर पिलाई मसल जो है ये सेपरेट कॉन्ट्रैक्शन दर्शाती है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई भयावह स्थिति है या डर लगने वाली कंडीशन है, उस दौरान इरेक्शन ऑफ हेयर्स होगा, तो ऐसे नहीं है ये सारे एक साथ ही खड़े हो जाएंगे, नहीं, इरेक्शन धीरे धीरे आता है। ठीक है, तो एक साथ जो है वो कॉन्ट्रेक्शन यहाँ पर नहीं होगा, और सप्लाई जो है वो डिफरेंटली सप्लाई होती है हर रूट को। क्लियर होगी भी बात। सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम कराते हैं, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम, तो ये मल्टी यूनिट स्मूथ मसल बन जाएगी। करेक्ट ऑप्शन अपना ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। क्यों जी? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट देखना भैया, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट। पहले तो मैं आपको ये तीन सब बच्चों को बता दिया थोड़ा सा। हाँ भाई, यहाँ पर मैं पोजीशन, मेरी लोकेशन एक ही जगह है। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो रहा है, मेरी नेक में मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, ये बात करें क्या हो रहा है इस प्रकार। अरे ऋतिक रोशन को नहीं देखा है क्या, जैसे एक ही जगह खड़ा है और फिर क्या कर रहा है, एक्शन दिखा रहा है, तो ये क्या कहला जाएगा, ये मूवमेंट कहलाएगा। और अगर मेरी पोजीशन चेंज हो रही है, यहाँ से चलकर मैं जितेंद्र सर की तरफ या उनसे दूर जा रहा हूँ, तो ये फिर क्या कहलाएगा, ये मूवमेंट अलोंग विद लोकोमोशन। ये मतलब डांस की ये तो स्टेप है, इसमें दोनों और अगर एक सिंगल जगह खड़े होकर अपन इस प्रकार से मूवमेंट करवा रहे हैं तो ये मूवमेंट कहलाएगा, इट्स नॉट लोकोमोशन, क्योंकि पोजीशन यहाँ पर जो है वो चेंज नहीं हो रही है। तो ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट। अगर एक जगह से दूसरी जगह आप जा रहे हो तो मूवमेंट तो भैया हो ही हो रहा है, पोजीशन भी चेंज हो रही है, तो बात क्या है, सही सही देखना है, तो पहला हो जाएगा। और मूवमेंट आर लोकोमोशन, मूवमेंट की बात करें तो लोकोमोशन तो हुआ ही नहीं ना, गर्दन केवल मूव कर रही है, तो ये बात तो गलत होगी। मतलब लोकोमोशन में लोकेशन चेंज होनी चाहिए। हाँ, लोकेशन चेंज होनी चाहिए। पैरामीशियम यूज फ्लैजेला फॉर इंजेक्शन, नहीं, यहाँ पर तो सीढ़ियां पाई जाती है। और इंजेक्शन ऑफ फूड की अगर बात करें तो ये आपको पहले भी बताया हुआ है, पैरामीशियम के केस में जो है ये हाइपोस्ट्रॉम रीजन कहलाता है। क्यों? और यहाँ पाए जाते हैं सीढ़िया, और सीढ़िया यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट करवाते हैं, यहाँ पर एक वाटर का करंट बनाएंगे। ठीक है, इनवर्ड मूवमेंट इस प्रकार से करेंगे, तो हाइपोस्ट्रॉम रीजन से होता हुआ फूड जो है वो बॉडी के अंदर की ओर पहुंचेगा। तो फ्लैजेला नहीं, सीढ़िया होना चाहिए। हाइड्रा यूज फ्लैजेला फॉर द लोकोमोशन, नहीं, टेंटिकल्स कहलाते हैं। हाइड्रा में फ्लैजेला नहीं होते, टेंटिकल्स होते हैं। टेंटिकल्स होते हैं, टेंटिकल्स की हेल्प से लोकोमोशन करवाता है। और किस प्रकार लोकोमोट करता है वो भी वैसे इस लेवल पर आकर अभी नहीं पूछा जाता, पहले ये दिन सर आरपीएमटी में जरूर पूछा जाता ना, अलग अलग वेरियस टाइप के लोग, ये जैसे टेंटिकल्स हो गए। अब इसको जब मूव करना होगा तो हाइड्रा अपने इस पार्ट को तो चिपका कर रखेगा, लेकिन आगे वाले पार्ट को इस प्रकार जो है वो अटैच करवाएगा इससे सबस्टेटम से। ठीक है, और उसके बाद अगली स्टेप में क्या करेगा, ये कलाबाजिया खाता हुआ इस प्रकार ये चलेगा। ठीक है, ये इसके टेंटिकल्स हो गए, बेस वाला पार्ट फ्री हो गया, हाँ बेस वाला पार्ट फ्री हो गया, और अब क्या करेगा, इस पार्ट को आगे की ओर वापस मूव करवाएगा। इसको कैसे, वॉकिंग, वॉकिंग, वॉकिंग मूवमेंट ये दर्शाता है। क्यों? और एथलीट टाइप का मूवमेंट भी, समरसॉल्ट बोलेंगे, समरसॉल्ट, समरसॉल्ट है ना, बिल्कुल। वॉकिंग तो शायद टेंटिकल्स पे मूव का ऐसे करें, उसको वॉकिंग, बिल्कुल बिल्कुल, ये समरसॉल्ट वाला, ये समरसॉल्ट हो गया। वैसे इस लेवल पर आकर पूछा नहीं जाएगा ये आपको। क्यों? तो अपना आंसर जनरल न्यूज़ में एनसीईआरटी में लिखा कि नॉर्मली देखिए तो सेसाइल बता रखा है, बाकी वेरियस टाइप के मूवमेंट शो करते हैं। हां बिल्कुल ठीक बात है, सेसाइल स्थावर एक ही जगह रहने वाला। जी जी, क्वेश्चन नंबर 6 जी, न्यूरोट्रांसमीटर है और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है। व्हिच न्यूरोट्रांसमीटर इज रिस्पांसिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल? तो डोपामाइन, सेरोटोनिन, तो ये सीनस ब्रेन के अंदर होती है, ये ब्रेन के अंदर होगी, एक्टिविटी को कंट्रोल करती है। ठीक है, और एसिटिलकोलाइन जो है वो एक्साइटेटरी एंटीएम है, जो अपनी स्केलेटन मसल जो उसके कॉन्ट्रैक्शन को प्रमोट करता है। ठीक है, और गाबा जो है इनहिबिटरी, इनहिबिटरी कहलाएगा वो, गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, अपने तो करेक्ट ऑप्शन अपना फर्स्ट चला जाएगा। और कहाँ सीक्रेट होता है वो आपको बताएगा कि कोई भी न्यूरॉन है, उस न्यूरॉन का जो टीलोडेंड्रिया पार्ट है,
ये फिर किसके कॉन्टेक्ट में आएगा, मसल के कॉन्टेक्ट में आएगा, और मसल के कॉन्टेक्ट में ये जो रीजन बनेगा इसको मोटर एंड प्लेट कह दो, या मायो न्यूरोनल जंक्शन, मायो मतलब मसल फाइबर और न्यूरोनल मतलब नर्व, तो इस जंक्शन पर एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल इज पार्ट ऑफ मायोफाइब्रिल बिटवीन। तो ये आपको पहले भी हमने बता दिया था कि एक मसल फाइबर की स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो यहाँ पर ये थे सर अपने जो है वो बच्चों को इस प्रकार से ये मायोसिन बता दिए थे, थिक फिलामेंट, हाँ थिक फिलामेंट ये बन जाते हैं, ये मायोसिन बन जाते हैं, और इन्हीं के एज को मायोसिन के किनारों को पार्शली ओवरलैप किया हुआ है एक स्ट्रक्चर ने, और ये स्ट्रक्चर क्या कहलाती है भैया, इसको थिन फिलामेंट के नाम से जाना जाता है, क्या बोल दिया इसको, थिक फिलामेंट ये कहला गया। अब ये जो एक्टिन है, जो थिन फिलामेंट है, इनके सेंटर में पाई जाती है क्या, एक इलास्टिक फाइबर, याद रखना एक तो है इलास्टिक फाइबर और एक फाइब्रस मेम्ब्रेन, एम लाइन के लिए एनसीईआरटी ने फाइब्रस मेम्ब्रेन काम में लिया है और इन जेड लाइन के लिए इलास्टिक फाइबर काम में लिया है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। इसी को अपन आगे कंटिन्यू कर देते हैं, ये इस प्रकार जोड़ दिया इनसे अपन ने। अब ये क्या कह रहे हैं कि एक जेड लाइन तो ये तीन सर ये हो गई, अनोदर जेड लाइन ये कहला गई, क्यों, और दो जेड लाइन के बीच की जो दूरी होती है ये यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बनती है, और इस यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोल दिया, सार्कोमियर, मियर कह दिया, ठीक है। इसी के साथ ही डायग्राम तो अपन ने बना दिया, एक बार बच्चों को और भी बता देते हैं, जितनी दूरी में ये मायोसिन मिलेगा भैया वो जो दूरी है वो कहलाता है ए बैंड, एन आइसोट्रोपिक, ए बैंड कह दो, एन आइसोट्रोपिक बैंड कह दो, डार्क बैंड कह दो, एक ही बात है, क्लियर। इसके बाद आप देखें कि जितनी दूरी पर नहीं मिल रहा है मायोसिन, ठीक है, इधर मायोसिन कैंड ये हो गया, इधर मायोसिन कैंड ये हो गया, उसके बीच वाला पार्ट जो है ये क्या कहलाता है, आई बैंड कहलाता है, या आइसोट्रोपिक, इसे ही लाइट बैंड के नाम से भी जाना जाता है। अब यहां एक और बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन बनता है कि आई बैंड में तो केवल और केवल एक्टिन ही पाया जाता है और ए बैंड में मायोसिन प्रेजेंट होता है, लेकिन इसके अलावा जो है वो एक्टिन का भी थोड़ा पार्ट प्रेजेंट होता है। अब बच्चा कहता है सर एनसीईआरटी में तो नीचे नीचे पैराग्राफ में एक लाइन दे रखी है कि ए बैंड में मायोसिन जो है वो प्रेजेंट होता है, तो उसने ये तो नहीं लिख रखा ना कि उसमें एक्टिन नहीं होता, तो मायोसिन होता है ये बात तो सही है, 80% भैया मायोसिन ही होता है, 20% इसमें एक्टिन भी कहलाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगर ऑप्शन में दे देना कि ए बैंड में कौन कौन सा प्रोटीन, तो मायोसिन भी होता है, एक्टिन भी होता है, एक्टिन का 20% ये कहलाता है, क्लियर। इसके बाद ये कहते सर एक लास्ट बात और बच गई है अपनी कि मायोसिन का वो रीजन जो ओवरलैप्ड नहीं होता इसके द्वारा, एक्टिन के द्वारा, ये सेंट्रल पोर्शन है, इसे अपन क्या बोलते हैं, इसे एच जोन या हैंसन्स जोन के नाम से, मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, कॉन्ट्रैक्शन के वक्त डिसअपीयर होगा, कॉन्ट्रैक्शन के वक्त डिसअपीयर हो जाएगा, और ये जो अपन ने मायोसिन बताया है या एच जोन के सेंटर में फिर क्या आ जाती है, एम लाइन, एम लाइन आ जाती है, जिसे अपन ने फाइब्रस मेम्ब्रेन, इसका मतलब कि जो आपका ए बैंड है उसको बाइसेक्ट कर रही है एम लाइन, एग्जैक्टली आई बैंड को बाइसेक्ट कर रही है जेड लाइन, तो ये तो अपनी बन गई जेड लाइन और ये बन जाती है एम लाइन, एम लाइन, एम लाइन। और सुनील जी यहाँ पर जो थिन फिलामेंट है उनका एक एंड जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक एंड फ्री है, एक एंड फ्री है उनका, लेकिन थिक फिलामेंट के दोनों एंड फ्री, दोनों एंड फ्री कहलाएंगे, सही कह रहे हैं आप, ठीक है। तो ये एक सार्कोमियर जो है वो स्ट्रक्चर, मसल फाइबर की स्ट्रक्चर जो वो हमने बना दी, एक यूनिट सार्कोमियर कहला दी, यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कहला। एक चीज और बता दे कि जो आई बैंड भी आपने बताया, हाँ, तो इस सार्कोमियर में इस आई बैंड का आधा पार्ट आ गया, 1/i है ना, एग्जैक्टली, और कंप्लीट ए, और फिर इस आई का भी आधा ना, बिल्कुल, ऐसा एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, 1/i प्लस कंप्लीट ए प्लस 1/i है ना। ये बात समझने के लिए आप इसको देखना जरा, इसको अगर देखेंगे आप तो कलर थोड़ा सा चेंज कर दूं, बच्चों बच्चों के लिए मैं, तो यतेंद्र सर ये तो 1/2i हो गया ना, बिल्कुल बिल्कुल 1/2i, और ये वाला भी 1/2i, 1/2 क्यों जी, और ये वाला जो है ये कंप्लीट ए कहला गया। तो एक सार्कोमियर या दो जेड लाइन के बीच की जो दूरी होती है वो किस किस से मिलकर बनती है, हाफ आई प्लस कंप्लीट ए प्लस हाफ आई, यही यतेंद्र सर ने रिप्रेजेंट कर दिया, इसका हाफ इस तरफ है ना, एग्जैक्टली इसका हाफ इस तरफ, ठीक बात है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल इज ए पार्ट ऑफ मायोफाइब्रिल बिटवीन, इसका मतलब इस लाइन को अगर मैं कहूँ यतेंद्र सर ये जेड वन है, तो ये वाली लाइन को फिर मैं क्या कह दूंगा, जेड टू कह दूंगा, तो दो जेड, जेड वन जेड टू या
दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच में जो पॉइंट पाया जाता है मसल फाइबर का, वही क्या कहलाता है, यूनिट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन कहलाता है, उसे ही अपन क्या कहते हैं, सार्कोमियर कहते हैं। तो जेड लाइन एंड आई बैंड नॉक जेड और जेड टू लाइन, करेक्ट ऑप्शन अपना ऑप्शन नंबर टू चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, According to sliding filament theory of muscle contraction, the filament that move to shorten a muscle आ रहा है ना, ये इस theory के according कौन सा filament slide करता है, ये भी आपने बोला भी था, ठीक है, कि जो thick filament है उस पे thin filament sliding करते हैं, बिल्कुल, और ये अपन ने बताया भी था बच्चों आपको इस प्रकार से, ये जो है ये जैसे अपन ने ये कहा था, ठीक है, और इसको फिर partially overlap किए हुए ये अपने ये तीन से ये कहला गए थे, और उसके बाद ये हेड जब यहाँ से जुड़ेगा, इधर से ये हेड जुड़ेगा, तो फिर ये वाली जेट लाइन और ये वाली जेट लाइन ये क्या होंगी, पास आने की कोशिश करेंगे, आया ना, और ये जो फाइबर्स हैं एक्टिन वाले ये आगे की ओर मूव करेंगे, इधर ये आगे की ओर मूव करेगा, तो कौन किसके ऊपर स्लाइड कर रहा है, एक्टिन स्लाइड कर रहा है किसके ऊपर, मायोसिन के ऊपर, क्यों जी जी, तो फिलामेंट दैट मूव टू है ना, तो फिर इसमें आंसर हो जाएगा एक्टिन, बिल्कुल एक्टिन का मूवमेंट हो रहा है, एक्टिन स्लाइड पास ओवर दी मायोसिन एनसीआरटी की लाइन की अगर बात करें तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द लैक्टिक एसिड जनरेटेड ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रेक्शन इज फाइनली कन्वर्टेड टू द ग्लाइकोजन। अब अगर लगातार स्टिमुलाई अगर मिलता जाता है तो उस केस में क्या होगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन तो हो नहीं पाएगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी होगी, एनएरोबिक रेस्पिरेशन चलेगा, तो पता है अपने को वहां पर क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, और ये जो लैक्टिक एसिड बना है मायोन्यूरोनल जंक्शन पर, ये फिर अब रेस्टिंग करनी पड़ेगी, रेस्टिंग स्टेज में अगर इंडिविजुअल आ जाएगा तो उस फेज के दौरान यहाँ डिपोजिट हुआ लैक्टिक एसिड ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा फिर कहाँ ले जाया जाएगा, लीवर में, और लीवर में फिर क्या हो जाएगा, इसका कन्वर्जन हो जाता है, ठीक है। तो क्या बोल दिया, लैक्टिक एसिड जनरेटेड ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रेक्शन इज फाइनली कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजन, ये कहाँ पर कन्वर्ट होगी, लीवर रीजन में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये सुनिए कोरी साइकिल वाली बात है ना, बिल्कुल ये कोरी साइकिल कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जी, मास्थेनिया ग्रेविस की बात की जा रही है, जो ऑटो इम्यून डिजीज डिसऑर्डर है, और इसके अंदर जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है रेस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा, जी, जी, तो जैसे ये सार्कोलेमा है जी सर, तो इसके ऊपर जो ACS रिसेप्टर है तो इसी के अगेंस्ट जो ऑटो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है, और वो एंटीबॉडी इसके ऊपर जुड़ने के बाद में इसकी एक्टिविटी को या इसके स्ट्रक्चर को डिफेक्टिव कर देते हैं, डिफेक्टिव कर देती है, जिससे यहाँ से जो ACS रिलीज होगा वो इसके ऊपर फिर जुड़ नहीं पाएगा, ठीक है, जिससे न्यूरोनल सिग्नल के लिए जो सार्कोलेमा है वो रेस्पॉन्स क्रिएट नहीं करेगी, ठीक है, हम कहें कि यहाँ से फिर जो है एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस नहीं होगा, मतलब लेने के बाद ये है कि भैया मसल कॉन्ट्रेक्शन फिर नहीं हो पाएगा, ऐसे वो मसल वीक हो जाएगी, ठीक बात है, तो इसे अपन क्या बोल देंगे, विच रिसेप्टर आर अफेक्टेड, तो कौन से एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से जो पाए जाते हैं वो अफेक्टेड हो जाते हैं, और अभी अभी एक क्वेश्चन पहले भी आया था कि मसल कॉन्ट्रेक्शन के दौरान कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, एसिटाइल कोलिन ही रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इन टिटेनी पेशेंट द लेवल ऑफ किसका लेवल डिक्रीजेज इन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, तो टिटेनी कंडीशन है और इसमें प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन स्टेज रह जाती है मसल्स में, क्यों, तो टिटेनिक कंडीशन में प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन रह गया, इसका मतलब है अभी अभी अपन ने बात की थी कि कैल्शियम प्लस टू है वो बाहर की ओर पंप नहीं किया जा रहा है, और बाहर की ओर पंप नहीं किया जा रहा है, अंदर ही सार्कोप्लाज्म में ही कैल्शियम प्लस टू का लेवल बढ़ा हुआ है, तो अपने को तो ये पूछा है कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में किसका लेवल घट जाएगा, कौन पंप नहीं हो रहा है, कैल्शियम प्लस टू पंप नहीं हो रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन अपना ऑप्शन नंबर 1 चला जाएगा, क्यों जी, बिल्कुल, क्योंकि सुनील जी अगर नॉर्मली अपन देखें कि HCF में जो भी कैल्शियम है ना, तो वो जो कैल्शियम है वो नॉर्मली जो न्यूरॉन है, ठीक है, उन न्यूरॉन की जो अपन बच्चों को बताते हैं नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है, वहां पर जो सोडियम चैनल पोटेशियम चैनल जो पंप वगैरह है उनको नेगेटिवली इनहिबिट करके रखता है, ठीक है, जिससे ब्रेन की तरफ से जब तक सिग्नल नहीं आता है तब तक ये बिना ब्रेन के सिग्नल के एक्टिवेट नहीं होते हैं, एक्टिवेट नहीं होगा, अगर न्यूरॉन एक्टिवेट नहीं होगा तो फिर उससे जुड़ा हुआ मसल भी एक्टिवेट नहीं होता, ठीक है, लेकिन जब भी किसी आदमी में हाइपोपैराथायरॉइडिज्म हो जाता है जिसमें पैराथायरॉइड का लेवल कम हो जाए, कम हो जाएगा, पीटीएच के लेवल के कम होते ही ECF में जो कैल्शियम का लेवल है वो डाउन चला जाएगा, वो डाउन हो जाएगा, और कैल्शियम का लेवल डाउन होते ही ये जो रेगुलेशन था नेगेटिव रेगुलेशन वो हट जाएगा, ये बंद हो जाएगा, और बिना इस नेगेटिव रेगुलेशन के अब अगर ब्रेन सिग्नल नहीं भी थे तो न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर लेगा, ठीक है, और ये फिर मसल जो है उसको एक्टिवेट कर देगा, और बिना ब्रेन के सिग्नल के आदमी की जो मसल है उसमें कॉन्ट्रेक्शन हो
होना शुरू हो जाए, ठीक है, इसको हाइपोपैराथायराइड पीटीएनई भी बोला गया, बिल्कुल बिल्कुल, जो वगैरह में आदमी को कॉन्ट्रैक्शन लॉक जो डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, क्यों एक्चुअल में वो वाली जो कंडीशन बनेगी वो टिटनस, वो तो क्लॉस्ट्रिडियम, हां क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनाई, उसको लॉक जो बोले, उसको लॉक जो डिजीज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्शन की स्टेज रह जाती है, क्योंकि अपने को पता है कि मसल रिलैक्स कब होगी, जब सार्कोप्लाज्म में पाया जाने वाला कैल्शियम प्रोस्टाग्लैंडिन या तो पंप किया जाएगा सार्कोप्लाज्म के रेटिकुलम में या फिर पंप किया जाएगा एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में। पंप किया नहीं जा रहा है, इसका मतलब एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में कमी हो गई, किसकी, कैल्शियम प्रोस्टाग्लैंडिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जी सर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयरिंग ऑफ बॉडी पार्ट एंड काइंड ऑफ मसल टिश्यू दैट मूव इट, है ना, ठीक है। तो जैसे आइरिस है तो ये इनवॉलंटरी स्मूथ मसल है, बिल्कुल, हार्ट वॉल है तो इनवॉलंटरी अनस्टेटेड है, ओहो स्टेटेड होना चाहिए था, अभी डायग्राम बनाया ही था अपने, तो बाइसेप ऑपरा ये, अच्छा करेक्ट पूछ रहा हूं, हां ये भी स्केलेटन होती, ये स्केलेटल मसल कहलाती है, ठीक है, एब्डोमिनल वॉल ये बॉडी वॉल वाली है तो ये भी स्केलेटन है, बिल्कुल, अपन स्टमक रीजन को एक्सटेंड भी करवा सकते हैं, अंदर भी कर सकते हैं, क्यों, और ऐसा जो है वो अफेक्टिव ब्रीथिंग के दौरान जो है वो किया भी जाता है, क्यों, तो करेक्ट ऑप्शन अपना ऑप्शन नंबर 5 चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 हो गया बच्चों, द सेगमेंट ऑफ मायोफाइब्रिल दैट इज कॉल्ड सार्कोमियर रन्स फ्रॉम, भैया अभी अभी बताया था दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, सार्कोमियर कहलाती है, वन जेड लाइन टू नेक्स्ट जेड लाइन या जेड वन टू जेड टू कह दो, ठीक है, रिपीटेशन है लेकिन लैंग्वेज अलग थी, जैसे वहां पर जेड वन जेड टू था तो यहां पर ऐसे भी हो सकता है, बिल्कुल, तो दोनों क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग अलग थी, हमने इंक्लूड कर दिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, यहां पर एक इन्वेजिनेशन की बात की गई है जो सार्कोलेमा के रेस्पेक्ट में, अगर अपन एक सेल का डायग्राम बनाए मसल सेल, ठीक है, तो उसके अंदर इस तरीके से सार्कोलेमा का इन्वेजिनेशन होता है, ठीक है, और जैसे मान लो यहाँ पर कोई मोटर न्यूरॉन आकर के जुड़ा हुआ है, जैसे ही वो उसको एक्टिवेट करेगा तो उससे एक्शन पोटेंशियल का प्रोपगेशन इसके सरफेस से होता हुआ, ठीक है, डीपली इसके अंदर आ जाता है, ओके, और इसके साथ जो है वो आपकी एसईआर उसको एक्टिवेट कर देती है, ठीक है। तो ये जो सार्कोलेमा के रेस्पेक्ट में बात की जा रही है इसी को टी ट्रिब्यूल बोला गया है, ट्रांसवर्स ट्रिब्यूल के नाम से ये जाना जाता है, और ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल ही वो स्ट्रक्चर है जो एक्शन पोटेंशियल को कहां तक पहुंचाती है, सार्कोप्लाज्म के अंदर तक लेकर आती है, सरफेस से अंदर तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा, ए मोटर यूनिट इज मेड अप ऑफ, तो अभी अभी भैया आपको बताया था कि न्यूरॉन जहां मसल से आकर जुड़ेगी वो जो मायो न्यूरोनल जंक्शन या मोटर एंड प्लेट बनेगा वो एक क्या बनाता है, एक मोटर यूनिट बनाता है, और अगर सिंगल यूनिट स्मूथ मसल की अगर बात करें यतेंद्र सर, तो उस केस में क्या हो जाएगा, कितनी मोटर यूनिट की बात करें बच्चों के लिए, सिंगल यूनिट स्मूथ मसल, सिंगल यूनिट है तो वहां पर काफी सारी मसल है उनके साथ एक मोटर न्यूरोन जुड़ा, एक मोटर न्यूरोन वहां पर कनेक्टेड होगा, क्यों, और मल्टी यूनिट में अगर बात करें तो अलग अलग मसल को अलग अलग न्यूरॉन्स जो है वो अलग बहुत सारी मोटर यूनिट बना देते हैं, तो मोटर यूनिट का मतलब हो गया मोटर एंड प्लेट रीजन की बात कर रहे हैं, ऑल मसल फाइबर विद इन ए गिवन मसल, ठीक है, ए मोटर न्यूरॉन एंड मसल फाइबर इट इनर्वेट, ये क्या बनाता है, एक मोटर यूनिट बनाता है, तो करेक्ट ऑप्शन अपना ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट जो है उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो ऑल मोटर यूनिट एक्ट टुगेदर, बॉडी के अंदर काफी सारी मसल्स हैं और उनसे मोटर न्यूरॉन जुड़े होते हैं, तो जरूरी है कि बॉडी के अंदर हर एक लोकेशन पे उस वक्त पर उस पर्टिकुलर टाइम पे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की नीड हो, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि सारी जो यूनिट्स हैं वो एक साथ भैया कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, जुड़ के अनुसार बॉडी के अकॉर्डिंग जिस पार्ट में जुड़ते हैं वहां पर मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, मोटर न्यूरॉन के इंस्ट्रक्शन में, ओके, फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यू होके फॉर लॉन्ग पीरियड आफ्टर नर्वस सिस्टम सीजेज, नर्वस स्टिमुलेशन, कि जब नर्वस स्टिमुलेशन जो है बंद हो जाएगा, न्यूरल जो सिग्नल है उसके बंद होने के बाद भी मसल कॉन्ट्रैक्शन जारी रहता तो ये तो गलत हो गया, ये गलत बात होगी, क्योंकि उसके बाद तो एसीएच का लेवल भी डाउन चला जाएगा, तो उसकी अब्सेंस में फिर मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन वो आगे नहीं हो पाएगा। तो क्रॉस ब्रिज बाइंड टू एक्टिन, की एक्टिन जो है उसकी जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है उस पर जब क्रॉस ब्रिज का अटैचमेंट होगा मायोसिन हेड का, तो बाइंड होने के बाद में शॉर्टेन द सार्कोमियर, बिल्कुल सही है कि सार्कोमियर जो है वो छोटा होता है, ये दोनों तरफ की जो एक्टिन है वो फिर स्लाइड करेंगी किसके ऊपर, मायोसिन के ऊपर, दो जेड लाइन पास पास आएंगी, या मैं कहूं जेड लाइन मूव करेंगी किधर की ओर, एम लाइन की ओर या एच जोन की तरफ, या एच जोन की ओर, बिल्कुल नहीं, दोनों तरफ से जो क्रॉस ब्रिज एक्टिन से जुड़े और उनको अंदर पुश कर, एग्जैक्टली ठीक कहा आपने। फिर डिस्ट्रोफिन इज नॉट नीडेड टू, नहीं इसकी जरूरत होती है, डिस्ट्रोफिन जो है वो सार्कोलेमा को
इन फिलामेंट के साथ कनेक्ट भी करता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ट्रांस मेम्ब्रेन या ट्रांस सिग्नलिंग प्रोटीन के नाम से भी है। और जेनेटिक डिसऑर्डर है ना, एक मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, उसी इसकी एब्सेंस हो जाती है, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन की एब्सेंस देखी जाती है वहां पर, ठीक है। और मायोटोनिक डिस्ट्रोफी की अगर बात करें तो किस प्रकार का ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ये आपको जेनेटिक्स में पढ़ाया जाएगा। तो ये गलत हो गया, थर्ड करेक्ट हो गया, तो करेक्ट ऑप्शन अपना थर्ड चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा बच्चों, आओ। वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मस्कुलर रेस्पॉन्स इज नॉट ट्रू, इनकरेक्ट देख रहे हैं अपने को, चूज दैट वन। ए मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट इन ऑल और नन फैशन, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक बात है। एक थ्रेशोल्ड तो स्टिमुलाई को पास करना ही पड़ेगा, वो थ्रेशोल्ड पास होगा तभी मसल की जो मेम्ब्रेन है वहां पर क्या आएगा, डीपोलराइजेशन, मतलब या तो कॉन्ट्रैक्शन होगा नहीं, अगर थ्रेशोल्ड मिल गया तो फिर पूरा, हाँ थ्रेशोल्ड मिलने के बाद में पूरा होगा, तो इसे ऑल या नन फिनोमिना या फैशन के नाम से जाना जाता है। ये बात तो ठीक है, अपने को तो करेक्ट इनकरेक्ट देखना है। देयर इज ए स्लाइट लेटेंट पीरियड दैट अकर बिटवीन व्हेन स्टिमुलस अराइव एट द मसल एंड व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल ठीक बात है, थोड़ा सा टाइम लगता है, इसको डिले भी बोलते हैं ना, हाँ ये इसको अपन सिनेप्टिक डिले, सिनेप्टिक डिले, सिनेप्टिक डिले, ये वाला जो टर्म है ये इसके लिए काम में लिया जाता है कि कब तो ये इंपल्स न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ उसके रेस्पॉन्स में मसल ने जो एक्टिविटी शो की, तो इस बीच में जो है वो एक टाइम चाहिए होता है। या मैं ये दिन सर इसको अगर बच्चों को थोड़ा सा मैं बता दूं इसको, तो जैसे ये ट्रिलोडेंड्रिया रीजन हो गया अपना, क्यों नर्व की एंडिंग कहला गई, ये प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन हो गई और ये अपनी पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन और ये अपना सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहला जाता है। तो जो एक सिनेप्स होता है उसे एक सिनेप्स में प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट और पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन ये पाई जाती है। अब ये कह रहे हैं कि यहां से एक्शन पोटेंशियल जब आया, वो एक्शन पोटेंशियल आने से लेकर ये मसल जब तक रेस्पॉन्ड शो करेगी उसके बीच में एक टाइम डिले होता है, तो वो टाइम डिले किस किस चीज का होता है। जो ही यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल आएगा, सबसे पहला काम होता है यहाँ के सी ए प्लस टू चैनल खुलना, उस सी ए प्लस टू चैनल खुलने की वजह से सी ए प्लस टू अंदर आना, सी ए प्लस टू अंदर आएगा तो यहाँ पर सिनेप्टिक वेसिकल्स पाए जाते हैं जिसमें न्यूरो ट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन फॉर एग्जाम्पल मसल के रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो वो प्रेजेंट रहता है। ये सी ए प्लस टू स्टिमुलेट करेगा सिनेप्टिक वेसिकल को किससे बाइंड होने के लिए, प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन से बाइंड होने के लिए। यहाँ फिर ये दोनों की मेम्ब्रेन डिजोल्व होगी और यहाँ पर पाया जाने वाला न्यूरो ट्रांसमीटर सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जो है वो छोड़ दिया जाएगा। यहाँ फिर क्या पाया जाता है, ये जो एसिटाइल कोलिन है इसको तोड़ने वाला एंजाइम कोलिनेस्टेज एंजाइम यहाँ पर प्रेजेंट होता है और उसके बाद में ये एसिटाइल कोलिन जो है ये किससे बंधेगा, यहाँ पर पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन से बंधेगा। तो एक्शन पोटेंशियल आने से लेकर ये जो बीच में प्रोग्राम चला है इस प्रोग्राम में एक टाइम लगता है, इसी को सिनेप्टिक डिले के नाम से जाना जाता है। तो ये तो बिल्कुल ठीक बात होगी, मसल विल एड मोटर यूनिट टू ए कॉन्ट्रेक्शन, मसल विल एड मोटर यूनिट टू ए कॉन्ट्रेक्शन इंक्रीजिंग द ओवरऑल फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन, ठीक है बिल्कुल, क्योंकि जितनी ज्यादा मोटर यूनिट एक मसल से कनेक्ट होती जाएंगी उतना ही ज्यादा फिर रेस्पॉन्स हो, एक मसल में काफी सारे मोटर न्यूरॉन है। एग्जैक्टली ठीक कहा आपने, एक मसल के अंदर काफी सारे मसल फाइबर है और उनसे जो है वो मोटर न्यूरॉन अलग अलग जुड़े, ठीक है। व्हेन ए पर्सन इज फुली एट रेस्ट None of our muscle are contracting. नहीं भैया, मसल टोन होती है, मसल टोन, और मसल टोन का मतलब है अपन रेस्टिंग कंडीशन में भी, ये सर आप अभी रेस्टिंग कंडीशन में कहीं मूव नहीं कर रहे हो, ठीक है, फिर भी आपकी ये गर्दन इधर नहीं लुढ़क रही है उधर नहीं लुढ़क रही है, इसका मतलब एक पार्शियल कॉन्ट्रेक्शन की स्टेज हमेशा मसल्स में बनी हुई होती है और ये पार्शियल कॉन्ट्रेक्शन की स्टेज क्या कहलाती है, इसी को मसल टोन के नाम से जाना, इसकी वजह से अपना पोस्चर बना रहता है, पोस्चर बना, तो बॉडी पोस्चर के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, मसल टोन रेस्पॉन्सिबल है। व्हाट इज मसल टोन, एक पार्शियल कॉन्ट्रेक्शन की स्टेज जो ऑलवेज प्रेजेंट रहती है बॉडी में नोन एज मसल टोन। तो ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, इनकरेक्ट पूछा है, तो आंसर भी अपना फोर्थ चला जाएगा, क्यों जी। क्वेश्चन नंबर 18 जी, व्हाई कैन कार्डियक मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर लॉन्गर पीरियड देन स्केलेटन मसल, क्योंकि अगर अपन स्केलेटन मसल को स्मूथ और कार्डियक से कंपेयर करें, ठीक है, तो जो सोर्स ऑफ कैल्शियम है स्केलेटन मसल में वो ओनली इंट्रासेलुलर है एसीआर से, ठीक है, और स्मूथ और कार्डियक मसल में कैल्शियम जो है वो एसीआर तो दे ही रहा है, इसके अलावा बाहर से भी आता है, एक्स्ट्रा सेलुलर से भी आ रहा है, तो यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये लंबे टाइम तक कॉन्ट्रेक्शन करता है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम पार्शियली कंट्रोल द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्ट्रेक्शन, तो करेक्ट ऑप्शन अपना सेकंड चला जाएगा, क्यों जी। क्वेश्चन नंबर 19, द एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल स्टिमुलाई टू ए मसल इज डिफाइंड एट, अगर बार बार स्टिमुलाई मिलती जाएगी ना, इसका मतलब उसमें कॉन्ट्रेक्शन 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 और होता चला जाएगा और ये फिनोमिना जो है ये समेशन कहलाता है, क्या बोलते हैं बच्चों इसको, समेशन कहा जाता है, मतलब जो स्टिमुलस है उसका इफेक्ट एड हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ये एनसीईआरटी के डायग्राम है, इसमें सुनील जी ए वाला आपका ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन हो गया, बताया था बच्चों को बना गया है जी, रेगुलेटरी प्रोटीन बिल्कुल, और ये सी जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन एफ एफ एक्टिन, और ये ट्रोपो मायोसिन हो जाएगा। तो ए को आपने क्या बोला है? ट्रोपोनिन, तो ये बोल दें जी, और बी ट्रोपोमायोसिन, और सी एफ एक्टिन, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट चला जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, गलत का पता करना है अपने को, ऑल मूवमेंट लेड टू लोकोमोशन, ये तो अच्छा इसमें बाकी ऑप्शन अलग आ गए, तो सभी मूवमेंट लेड टू लोकोमोशन, ये बात तो गलत है, गलत हो गया नहीं, ऑल लोकोमोशन लेड टू मूवमेंट, ये बात सही हो जाती है, जितने भी लोकोमोशन होते हैं उनमें मूवमेंट तो होता ही होता है, सिलियरी मूवमेंट इनकरेक्ट ही देखना है ना, तो पहला आंसर चला जाएगा, एक बार इसको देख ले, सिलियरी मूवमेंट हेल्प इन पैसेज ऑफ ओवा थ्रू द फीमेल, क्योंकि फैलोपियन जो ट्यूब होती है उसमें कैसी एपिथेलियम सिलिएटेड बन जाती है, माइक्रोफिलामेंट इन्वॉल्व इन अमीबॉइड मूवमेंट, सही बिल्कुल ठीक बात है, अमीबॉइड मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, इन पैरामीशियम द सिलिया हेल्प इन मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोफेरेंक्स, एंड ये भी आपको बताइएगा, ठीक है, और लोकोमोशन में भी है, लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं, तो इनकरेक्ट पहला ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, रेड मसल फाइबर के रेस्पेक्ट में जो है वो इनकरेक्ट, इनकरेक्ट देखना है, ठीक है भाई, दो टाइप के मसल फाइबर, व्हाइट और रेड, व्हाइट और रेड, तो अगर रेड की हम लोग बात करें तो इसमें जैसे यहाँ पे रेड हो गए और इस तरफ व्हाइट, ठीक है जी सर बताइए, तो सुनील जी ब्लड सप्लाई की अगर बात करें, ठीक है ब्लड सप्लाई जी, तो ब्लड सप्लाई इधर ज्यादा और इधर कम है, इधर कम हो जाएगी, मायोग्लोबिन के रेस्पेक्ट में अगर बात करें, मायोग्लोबिन जी इधर ज्यादा हो जाएगा, इधर ज्यादा और इधर कम हो जाएगा, ठीक है, एससीआर की बात करें, एससीआर तो उधर ज्यादा हो जाएगा, इधर कम उधर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया इधर ज्यादा और इधर कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, डायमीटर की बात करें, बिल्कुल वैसे डायमीटर इस लेवल पे पूछेगी नहीं, फिर भी इधर जैसे कम और इधर ज्यादा, इधर कम हो जाता है डायमीटर और इधर ज्यादा हो जाता है, क्यों, और फिर इसके अलावा कॉन्ट्रैक्शन के रेस्पेक्ट में बात करें तो ये धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, बिल्कुल लंबे टाइम तक प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्शन रेड फाइबर, और इंटेंस कॉन्ट्रैक्शन फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ये व्हाइट हो जाएगा, थकावट की बात करें तो ये थक जाती है, सॉरी ये थकती नहीं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया भैया ज्यादा है एनएरोबिक, वो एरोबिक रेस्पिरेशन करती है, एग्जैक्टली, और ये थक जाती है क्योंकि ये एनएरोबिक कंडीशन में जल्दी आ जाती है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि ब्लड सप्लाई कम है, तो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ना ये भी आप याद रख लेना, यहाँ पर रेड जो है ये फैटिक नॉट फैटिक, क्यों जी, और ये अर्ली फैटिक, तो ये जो डिफरेंसेस हमने लिखाए हैं ना यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कोई बड़ी बात नहीं, फास्टर या क्विक कॉन्ट्रैक्शन फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन व्हाइट हो जाएगा, स्लो कॉन्ट्रैक्शन फॉर लॉन्ग प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन रेड हो जाएगा, तो जो मतलब जो मैराथन जो दौड़ते हैं लंबे डिस्टेंस वाले उनमें यही होती है एग्जैक्टली, और ये वाली जैसे जो टाइगर की बात करें उसके बारे में यही होती है, वहां अपने लगता है कुछ डिस्टेंस के बारे में, या उसेन बोल्ट जो है कम डिस्टेंस की दूरी के लिए जाना जाता है, बिल्कुल उसमें भी यही पाया 100 मीटर इन 9 point something seconds, ठीक है, तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी देख लेते हैं ना, रेड मसल के लिए क्या गलत देखना है, तो दे हैव प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, सही है, दे हैव हाई कंटेंट ऑफ मायोग्लोबिन, सही है, सही है, दे हैव हाई अमाउंट ऑफ, नो ये वाला जो है गलत है, कम होना चाहिए था, हाई नहीं होना चाहिए था, they are called aerobic, ये aerobic है, ये anaerobic है, क्योंकि aerobic और ये धीरे-धीरे दौड़ना ये aerobic exercise भी है, बिल्कुल aerobic exercise का ही part कहलाता है, तो correct option अपना वो incorrect option third हो जाएगा, answer भी third चला जाएगा। Question number 23, read the following statement A to D and select the one option that contain both correct statement, correct देखने हैं भैया हमने को, जेड लाइन इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ लाइट बैंड, सही बात है, लाइट बैंड या एक्टिन वाला जो आई बैंड था उसको बाइसेक्ट करने वाला था, सही है, थिन फिलामेंट आर फर्मली अटैच्ड टू द एम लाइन, नहीं भैया जो थिन फिलामेंट है ये फर्मली तो अटैच रहते हैं, जटिलता से तो जुड़े रहते हैं लेकिन वो जेड लाइन के साथ में जुड़े रहते हैं, तो ये गलत हो गया, द सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप्ड बाय थिन फिलामेंट इज कॉल्ड जेड बैंड, नहीं एच जोन होना चाहिए था वहां पर, तो यहां पर एच जोन होना चाहिए था, लाइट बैंड कंटेन ओनली थिन फिलामेंट, लाइट बैंड में केवल थिन फिलामेंट होते हैं, सही बात है, और डार्क बैंड की अगर बात करते हो तो थिन प्लस थिक दोनों होते हैं, तो अपना करेक्ट देखना है ए डी, ए और डी,
ये ऑलरेडी ऑप्शन नंबर वन चला जाएगा, करेक्ट ही देख रहे हैं। नेक्स्ट 24, ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शन, कॉन्ट्रेक्शन के दौरान बात की जा रही है, तो इस दौरान कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में चेंज हो रही है? केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो रही है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी हो रहा है, ये केमिकल एनर्जी है और उसकी वजह से शॉर्टनिंग हो रही है सार्कोमियर की, तो ये मैकेनिकल वर्क हो रहा है, तो मैकेनिकल एनर्जी में वो चेंज हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा, याद रखने वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रेक्शन आइसोट्रॉपिक बैंड गेट इलोंगेटेड, नहीं भैया छोटे हो जाते हैं ऐसे, और यहाँ पर एक चीज और याद रख लेना, आइसोट्रॉपिक बैंड तो छोटा हो जाता है क्योंकि जेड लाइन पास पास आ जाती है, ठीक है, लेकिन ए बैंड पर कोई भी चेंज नहीं है, वैसा ही ए बैंड की लेंथ वैसी की वैसी रहेगी। एसिटाइलकोलाइन इज रिलीज्ड व्हेन द न्यूरल सिग्नल रीचेस द मोटर एंड प्लेट, बिल्कुल ठीक बात है। मसल कॉन्ट्रेक्शन इज इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंट बाय द सीएनएस बाय द सेंसरी, नहीं मोटर न्यूरॉन होना चाहिए था। रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ मसल कैन लेड टू लैक्टिक एसिड, बिल्कुल ये समेशन वाली बात आ जाती है, बार बार अगर स्टिमुलेशन मिलता चला जाता है तो मसल और ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन करती चली जाती है और ऐसी कंडीशन में एनएरबिक रेस्पिरेशन चालू हो जाएगा, लैक्टिक एसिड का ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है, बिल्कुल, तो लैक्टिक एसिड डिपोजिशन भी हो जाएगा, आपने वो देखना क्या करेक्ट ना, तो करेक्ट, तो सेकंड और फोर्थ हो गया जी, सेकंड एंड फोर्थ का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर 2। चले नेक्स्ट 26, जी सर, अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन एनसीईआरटी का ये है, ठीक है, तो अपने को इसके अनुसार देखना कि कौन से सही है या कौन से गलत है, तो एक्टिन बाइंड एटीपी, एक्टिन बाइंड एटीपी या मायोसिन बाइंड एटीपी, मायोसिन बाइंड एटीपी, या अपन सही वर्ड तो ये बनेगा कि एटीपी बाइंड्स टू द मायोसिन हेड, बिल्कुल बिल्कुल, ये वाला तो यहां पर ये रॉन्ग हो गया, बिल्कुल, फिर कैल्शियम आयन आर रिलीज्ड फ्रॉम मायोसिन एज द मसल स्लाइड, नहीं कैल्शियम रिलीज नहीं होता है जब मायोसिन स्लाइड करता है, एक्चुअल में मायोसिन का हेड जब उसको मूव कराएगा तब उससे एटीपी हट जाता है, एटीपी हट जाता है, ठीक बात है, तो ये वाला भी जो है वो गड़बड़ हो गया। थिक एंड थिन फिलामेंट डू नॉट चेंज लेंथ ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ये वाला ठीक है कि कॉन्ट्रेक्शन के दौरान इनकी लेंथ जो है उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल लेंथ उतनी रहती है, बिल्कुल, तो द थिक एंड थिन फिलामेंट डू नॉट चेंज लेंथ ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, एग्जैक्टली ये जरूर कहेंगे कि जो बैंड अपन बता रहे थे ना वो बैंड जरूर छोटा हो गया, आई बैंड ए बैंड तो उतना ही रहा, लेकिन जो फिलामेंट है उनकी तो लेंथ में कोई चेंज नहीं है ना, अगर लेंथ में चेंज आ जाता तो रिलैक्स कंडीशन में वापस वैसी पोजीशन कहाँ से अटेन कर पाते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन अपना ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करैक्टरिस्टिक ऑफ मसल की बात करें तो मसल की चारों ही ये प्रॉपर्टी आपको बताई हुई है, तो एक्साइटेबिलिटी आएगी, एक्सटेंसिबिलिटी प्रसार होगा, कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी छोटी भी होती है, और इलास्टिसिटी लचीलापन भी पाया जाता है, एनसीईआरटी के ही पॉइंट है ये चारों, तो ऑल ऑफ दीज करेक्ट ऑप्शन ये बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 28, इंटरकैलेटेड डिस्क की बात की जा रही है, जैसा कि आपने शुरुआत के डायग्राम में भी बताया था, ठीक बात है, दो कार्डियक मसल सेल जो उनके बीच के अंदर ये डिस्क होती है, ठीक है, और यहाँ पे एक गैप जंक्शन भी होता है, ठीक है, इसे कैल्शियम आयन मूव करता है एक मसल सेल से दूसरी में, ठीक है, और इसीलिए एनसीईआरटी ने एस्ट्रोलॉजी वाले पार्ट में लिखा भी है कि जो इनिशियल जो सिग्नल है वो फर्स्ट सेल को मिलता है, ठीक है, फिर बाकी की सेल अपने आप स्टिमुलेट होती है अपने आप वो इस गैप जंक्शन की वजह से, तो सुनील जी ये जो इंटरकैलेटेड डिस्क है जो एक्शन पोटेंशियल आता है उसको बूस्ट अप करती है, उसकी मतलब उसकी जो ताकत है उसकी स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाती है तो उसकी तरह वर्क करती है, तो देख लेते हैं कि इंटरकैलेटेड डिस्क स्मूथ होगा नहीं और कार्डियक मसल स्केलेटल होगा नहीं, तो कार्डियक हो जाएगा और प्रोवाइड स्ट्रांग मैकेनिकल एडिशन जुड़ने में भी एंड रैपिड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन उसमें भी हेल्प करेगी, क्यों इंटरकैलेटेड डिस्क अंतर्विष्ट पिंड के नाम से इनको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, मसल ए एंड मसल बी आर ऑफ सेम साइज जी, बट मसल ए इज कैपेबल ऑफ मच फाइनर कंट्रोल देन इन मसल बी, अब ए ज्यादा फाइनर कंट्रोल कर रही है, इसका मतलब वहां पर मोटर यूनिट्स ज्यादा बन रही है, ज्यादा न्यूरॉन्स जो है वो पहुंच रही है उसके पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी ट्रू फॉर द मसल ए, इट कंटेन फ्यूअर मोटर यूनिट, नहीं भैया फ्यूअर नहीं ज्यादा होना चाहिए, इट हैज लार्ज सार्कोमियर्स, ना इसका भी कोई रिलेशन नहीं है, फाइनल कंट्रोल का मतलब है अपनी विल के अकॉर्डिंग जो है वो कंट्रोलिंग वहां पर ज्यादा हो रही है, इट इज कंट्रोल्ड बाय मोर न्यूरॉन देन मसल बी, ये करेक्ट ऑप्शन इसका चला जाएगा, उंगलियों वाला बता सकते हैं बिल्कुल, या फिर फाइन कंट्रोल होता है कि कब किस उंगली को मूव करवाना है, ठीक बात है, यहां पर पर्टिकुलर मसल जो उसके साथ पर्टिकुलर मोटर न्यूरॉन जुड़ा हुआ है, बिल्कुल फाइन मूवमेंट होता है, सही कहा आपने, तो जितनी ज्यादा मोटर यूनिट्स बनेंगी उतना ही फाइनल कंट्रोल होता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30,
एच जोन इन द स्केलेटन मसल फाइबर इज ड्यू टू कि जो एच जोन है जैसे ये आपने आज कई बार सार्कोमियर का डायग्राम बनाया है बिल्कुल तो ये जैसे इस मसल कॉन्ट्रैक्शन वाले की जान यही है ये सार्कोमियर का डायग्राम तो इसमें ये जो है आपका मायोसिन हो गया क्रॉस आर्म हो गई ठीक है और थोड़ा सा इसको और बढ़ा देते हैं ठीक है और ये वाला जो पार्ट है वो है एच जोन अनओवरलैप्ड रीजन ऑफ किसका मायोसिन का क्या कह रहा था एच जोन कह रहा और ये एनसीईआरटी की लाइन है कि ये एक सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट एक्सटेंडिंग थ्रू मायोसिन कि ये मायोसिन जो उसके थ्रू एक्सटेंड हो रहे हैं ना और इन द ए बैंड के अंदर बिल्कुल तो करेक्ट ऑप्शन इसका सेकंड चला जाएगा क्यों जी बिल्कुल नेक्स्ट हो जाएगा 31 Which of the following structure is correctly organized from large to small? अगर यहाँ पर बात करें तो यतेंद्र सर सिंपल सी बात है बच्चों ये सीक्वेंस आपको याद रखना है ईच ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल मसल जो है क्यों उसके अंदर क्या पाए जाते हैं मैनी मसल बंडल जी मसल बंडल और ये मसल बंडल्स क्या कहलाते हैं फैसिकुलस फैसिकुलाई कहा जाता है इनको ठीक है और ये मसल बंडल्स जो हैं ये एक मसल बंडल अनोदर मसल बंडल ठीक है इनके अंदर क्या पाए जाते हैं फिर मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं ये जो मसल बंडल है ये आपस में जुड़े होते हैं कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जिसको फेशिया कहा जाता है तो कंफ्यूज मत हो जाना फेसिकुलाई और फेशिया में जो कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू पाया जाएगा वो क्या कहलाएगा फेशिया कहलाएगा ये बंडल क्या कहलाता है ये फेसिकल्स कहलाता है और ये जो मसल बंडल है इसके अंदर क्या पाया जाता है ईच मसल बंडल के अंदर क्या पाया जाता है मैनी मसल फाइबर क्यों मैनी मसल फाइबर और ये जो ईच मसल फाइबर होता है इसके अंदर पैरेलली अरेंज्ड अल्टरनेट ऑर्डर में वो मायोफाइब्रिल या मायोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है अब इसके अलावा एक कवरिंग और याद रख लेना आप कवरिंग की अगर बात करूं तो जैसे ये जो है ये अपनी कंप्लीट मसल होगी कंप्लीट मसल की जो कवरिंग होती है उसे तो कहा जाता है एपिमाइसियम मसल बंडल जो है उसकी जो कवरिंग होती है उसे कहा जाता है पेरिमाइसियम और ये जो मसल फाइबर है इस मसल फाइबर इसको जैसे एक मसल फाइबर को बाहर निकाल के मैं दिखाऊं तो इस मसल फाइबर की जो कवरिंग है वो क्या कहलाती है एंडोमाइसियम एपिमाइसियम पेरिमाइसियम एंडोमाइसियम ठीक है भाई तो ये अपनी बात हो जाएगी तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज करेक्टली ऑर्गेनाइज्ड तो सबसे पहले तो क्या आना चाहिए मसल आना चाहिए ठीक है उसके बाद में क्या आएगा मसल सेल या मसल फाइबर ठीक है उसमें मायोफाइब्रिल उसमें मायोफाइब्रिल और उसमें सार्कोमियर और सार्कोमियर में दो टाइप के फिलामेंट थिन और थिक थिन और थिक ये फिलामेंट हो जाएंगे थिन फिलामेंट है थिन और थिक फिलामेंट मायोसिन ठीक है तो पहला ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 मसल कॉन्ट्रैक्शन इज ट्रिगर्ड ओके मसल कॉन्ट्रैक्शन कब ट्रिगर होता है जब मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल मिलता है ठीक है तो देख लेते हैं व्हेन हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड शुगर आर रिलीज में ऐसा कुछ नहीं कोई रिलेशन नहीं है सरप्लस ऑफ एटीपी इज रिलीज यहाँ पर कैल्शियम के रेस्पेक्ट में भी देख सकते हैं फिर भी चलो देखते हैं बाय रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एट सिनेप्स दैट डायरेक्टली कॉज कॉन्ट्रैक्शन नो डायरेक्टली नहीं करेगा ये तो केवल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम प्लस 2 रिलीज करवाएगा यहां देखते हैं बाय द नर्व रिलीजिंग न्यूरोट्रांसमीटर ठीक है व्हिच ट्रिगर ए फ्लो ऑफ कैल्शियम दैट अटैच टू एक्टिन फिलामेंट एंड एक्सपोज द मायोसिन बाइंडिंग साइट बिल्कुल तो करेक्ट ऑप्शन अपना यही चला जाएगा इसको अभी एक्सप्लेन भी किया था पहले स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के रूप में क्यों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 गिवन बिलो आर सम इवेंट्स व्हिच अकर ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट व्हिच अकर ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन और मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या क्या इवेंट्स जो हैं वो ट्रूली कंडक्ट होते हैं तो इसके रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो एटीपी हाइड्रोलाइज होता है ठीक है मायोसिन हेड बाइंड टू एक्टिन ये भी होता है हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इन मसल फाइबर्स नहीं है हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन मसल फाइबर इंक्रीजेस ये कोई रिलेशन नहीं है कैल्शियम कंसंट्रेशन इन सार्कोमियर इंक्रीजेस बिल्कुल ठीक बात ये भी देख लेते और आई बैंड शॉर्टन एंड एच जोन यस ये मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान होता है इसका मतलब है फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ तो करेक्ट आंसर अपना ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा क्यों भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 लिखा है द स्ट्रिएशन दैट गिव्स स्केलेटन मसल इट्स कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रिप अपीयरेंस आर प्रोड्यूस्ड बाय है ना तो वो जो स्ट्रक्चर है वो किसके थ्रू प्रोड्यूस होती है ठीक है टी ट्यूब्यूल का कोई वहां पर रोल नहीं है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नहीं है स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ मायोफिलामेंट जो है परफेक्ट चला गया बिल्कुल और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात कर ले तो वही अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ टू प्रोटीन्स एक्टिन और मायोसिन की प्रेजेंस के कारण ऐसा हो जाता है तो करेक्ट ऑप्शन अपना थर्ड चला जाएगा क्यों क्वेश्चन नंबर 35
What will happen if the sarcoplasmic reticulum of the muscle fiber is damaged? अगर sarcoplasmic reticulum ही भैया damaged हो गया, इसका मतलब calcium plus 2 का store house जो है वो ही damaged हो चुका है, और वो damaged हो चुका है तो यहाँ से आने वाला जो action potential है उसके toward ये response show नहीं करेगा, और यहाँ से calcium plus 2 जो है वो release out भी नहीं होगा. तो binding of ATP to actin will affected. ATP की binding का ऐसा कोई role नहीं, कोई चीज ही नहीं है. रिलीज ऑफ इनहिबिटर ऑन जेड डिस्क, ये भी कुछ नहीं है. एक्सपोजर ऑफ मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन विल बी अफेक्टेड. ये डैमेज हो गई तो इसका मतलब कैल्शियम बाहर नहीं आ पाएगा, नहीं आएगा, और इसका मतलब है कि फिर और कैल्शियम नहीं आएगा तो ट्रोपोनिन से नहीं जुड़ेगा, ट्रोपोनिन से नहीं जुड़ेगा तो एक्टिन पर पाए जाने वाली मायोसिन बाइंडिंग साइट ओपन नहीं होगी, तो फिर कौन सी बाइंडिंग अफेक्ट हो जाएगी? ये वाली बाइंडिंग अफेक्ट हो जाती है. क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36. हाँ, लास्ट. ए स्टूडेंट वाज गिवन सैंपल ऑफ टू मसल मार्क्ड 1 and 2. जी. व्हेन ही कंपेयर्ड द मसल ही फाउंड दैट मसल 1 कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन, इसका मतलब रेड फाइबर की बात कर रहे हैं, रेड फाइबर, एंड यूटिलाइज लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोर्ड ऑक्सीजन फॉर एटीपी प्रोडक्शन, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी यहां पर ज्यादा है. व्हेन इज मसल 2 कंटेन फ्यू मायोग्लोबिन, इसका मतलब रेड व्हाइट फाइबर, ये व्हाइट फाइबर की बात हो रही है, ठीक है, और हाई सर्कुलेटिंग रेटिकुलम यहां पाया जाता है, बिल्कुल ठीक बात है. तो बोथ दी मसल आर एरोबिक, नहीं भैया एरोबिक तो पहली वाली कहलाएगी, जैसे रेड एरोबिक व्हाइट एनएरोबिक, एनएरोबिक. बोथ दी मसल आर कॉल्ड रेड फाइबर, नहीं भैया पहले वाली रेड और दूसरी वाली व्हाइट है. मसल 1 इज कॉल्ड व्हाइट फाइबर ना, मसल 1 तो क्या कहला रही है, रेड फाइबर कहला रही है, एरोबिक मसल है, वेयर इज मसल 2 इज कॉल्ड व्हाइट फाइबर एंड डिपेंड आल्सो ऑन एनएरोबिक प्रोसेस फॉर दी एनर्जी, ठीक है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन अपना क्वेश्चन नंबर 4 चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37. Name two human body cell which shows pseudopodial movement. Pseudopodial movement इसका मतलब किस प्रकार का, या अपन कह सकते हैं shape changing movement. मतलब cytoplasmic streaming होती है ना एक तरीके से. बिल्कुल बिल्कुल. इसमें अंदर की तरफ actin filament की help से भी और protoplasm जो है उसकी state change होने से ऐसा. ठीक ठीक. Botany के अंदर पढ़ाया जाता है soul gel hypothesis वगैरह कुछ होती है. तो RBC तो करेगा नहीं. RBC नहीं करेगा, WBC के respect. Thrombocyte की बात होगी नहीं. ये अपना ल्यूकोसाइट एंड मैक्रोफेज, ये इसका हालांकि मैक्रोफेज ल्यूकोसाइट में आ जाती है. बिल्कुल ठीक बात है. ल्यूकोसाइट में जो मैक्रोफेज है वो फैगोसाइट. बिल्कुल बिल्कुल. नेक्स्ट, ये आज के 37 क्वेश्चन थे भैया. तो मसल कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाए गए हैं. अगले लेक्चर में अपन मिलते हैं ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के साथ में. क्यों ये दिन सर? तो उसमें बोन वगैरह पढ़ गया ना. हाँ, बोन आपको पढ़नी है, जो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 19 है वो आपको अच्छे से पढ़ गया, उसका आधा पार्ट आज हो गया. बिल्कुल ठीक है. बिल्कुल. तो मिलते हैं अगले लेक्चर में. ओके, थैंक यू. जय श्री कृष्ण.